केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का द मास्टर आपका अपना YouTube चैनल स्वागत करता है। जैसा कि हम लोगों ने KBS PRT के लिए गणित की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हमें गणित में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो इसके हमारा जो सेकेंड पार्ट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें इस बात का पता चलेगा कि गणित में हमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक में क्या होगा कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, और अगर आपको कुछ हाई लेवल पे पढ़ना है तो कक्षा 9 और 10 की आप NCERT की किताब पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमारा टारगेट क्या है भैया, हमारा टारगेट है गणित में से 20 में से 20 नंबर लाना हमारा टारगेट है। KBS के PRT में लगभग 20 नंबरों की गणित आपकी आएगी और 20 में से 20 नंबर लाना आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो 2018 का पेपर है, तो 2018 में जो प्रश्न आए थे गणित के पेपर में उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। ये सारे प्रश्न आपके 2018 के KBS PRT में आ चुके हैं, प्रश्न आपके सामने है, इसको एक बार पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उस कोण की माप जिसका संपूरक और उसके पूरक से 4 गुने के बराबर है। देखिए, संपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका टोटल योगफल 180 होता है, और पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका जो योगफल है वो कितना होता है, 90 होता है। और हमें उस कोण की बात हो रही है, यानी कि इसमें हमें दो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो अगर संपूरक के लिए समीकरण बनाए तो एक कोण यहाँ पर फिक्स, जैसे एक कोण हम x मान लें, दूसरा कोण y मान लें, तो इन दोनों का अगर टोटल करें तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में, पूरक वाली कंडीशन में, ये जो x है ये तो फिक्स ही है, और दूसरे कोण को हम क्या मान लें, a मान लें, ठीक है, a मान लेते हैं, इनका टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ये हमारे प्रश्न के कहने का मतलब है, ठीक है। उस कोण की माप जिसका संपूरक उसके पूरक से 4 गुने के बराबर है, यानी उस कोण को हमने x माना है, तो अगर हम संपूरक की बात करें तो x में एक दूसरा अगर कोण जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर पूरक वाले कंडीशन की बात करें तो पूरक में हमारा जो कोण है वो x ही रहेगा, दूसरा कोण y a मान लिया है, तो इसमें अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसमें पूरक के 4 गुने के बराबर है, पूरक के 4 गुने के बराबर है, यानी कि देखिए इस पूरक और संपूरक में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर अगर x y की बात करें तो x के लिए y संपूरक कोण है, ठीक है, और y के लिए x संपूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। दूसरी कंडीशन में x के लिए a पूरक कोण है और a के लिए x पूरक कोण होता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आता है, ठीक है। पूरक और संपूरक का आप मतलब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दूसरा वाला कोण है, यानी कि ये पूरक वाला कोण है, ये अपने संपूरक कोण के कितना है, 4 गुने के बराबर है, यानी कि a की जो वैल्यू होगी उसका 4 गुना करेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद सिर्फ प्रश्न को समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इसको हम लोग अपने सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। समीकरण बन गया है, समीकरण से हमें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग विकल्प के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप सुपरटेट के गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारे प्रश्नों को आप विकल्प के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि विकल्प देखिए, पहला वाला विकल्प क्या है, 1, यानी एक्स का मान कितना दिया है, 20। ए वाले विकल्प में एक्स का मान 20 दिया है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, 2 कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर एक कोण 20 है तो दूसरा कोण 160 होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब इस 20 का पूरक कोण कितना होता है, पूरक 2 कोणों का योगफल 90 जब होते हैं तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण 20 है तो दूसरा कोण कितना होगा भैया, 90 में से 20 घटा दो तो 70 है। अब देखो क्या ये 70 इसका 4 गुना है, तो 70 इसका 4 गुना नहीं, यानी कि पहला वाला विकल्प हमारा आंसर नहीं आएगा। कहने का मतलब जो आपका विकल्प में दिया गया है उसका संपूरक कोण और पूरक कोण निकाल लीजिए, अगर वो 4 गुना है तो हमारा आंसर, हमारा जो विकल्प है वो सही होगा, ठीक है। 30 पे आइए, 30 का संपूरक कोण कितना होगा, 180 में से
30 घटाएंगे तो आपको 150 मिलेगा, और 30 का पूरक कोण कितना होगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 60 आएगा। क्या ये इसका चार गुना है, चार गुना नहीं है, यानी कि आपका बी विकल्प भी जो है बिल्कुल गलत है। सी पे आते हैं, सी 45 डिग्री दिया गया है, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आता है, और 90 में से आप 45 घटाएंगे तो 45 आता है, ये इसका तीन गुना है, कितना है, तीन गुना। तो अगर तीन गुना कहता तो हमारा विकल्प सी सही होता, लेकिन तीन गुना नहीं निकालना, हमें चार गुना निकालना है। अब हमारा डी बचा है, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। 60 का अगर हमें संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा, ठीक है, और 60 का अगर पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा। देखिए ये 30 और 120, ये इसका चार गुना है, 30 का चार गुना 120 होता है, यानी कि हमारा विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, प्रश्न बहुत ही आसान है, जो प्रश्न आते हैं एक दो प्रश्नों को छोड़कर बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे। बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिए, ये मत कहिए कि हमें गणित नहीं आती है, गणित बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप सभी लोग आसानी से गणित को समझ सकते हैं और प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के हम लोग बहुत सारे प्रश्न आगे भी सॉल्व करेंगे जो विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई भी समीकरण बताने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न का जो चित्र है वो पहले से ही हमने बना लिया है, क्योंकि पेन से बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए ए बी सी में ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया है, यानी कि ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ऊपर वाला बिंदु ए है, ये इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, जिसमें ए बी भुजा को पी तक, यानी ए बी भुजा को आगे ये पी तक बढ़ाया गया है, और पी क्यू भुजा को ए सी भुजा को क्यू तक, तो ये क्यू यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो चलो ठीक है इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू तक बढ़ाया गया है, ठीक है। अब पी बी और सी और क्यू सी बी, यानी ये आपका पी है, ये आपका पी है, ये बी है और ये सी है, इसका जो आधक है, इसका अर्धक देखिए ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ आके मिल रहा है, और क्यू सी बी ये क्यू है, यहाँ बिंदु हमारा क्यू है, यहाँ बिंदु सी है और ये हमारा बिंदु है, ये वाला जो कोण है इसका अर्धक जब किया, यानी इस कोण का आधा किया, तो ये यहाँ पर मिल रहा है दोनों को अर्धक, और इसको हमने मान लिया है ओ मान लिया है, ठीक है, चित्र में साफ साफ लिखा गया है। कोण ए ऊपर वाला जो कोण है वो कितना है, 56 है, 56 है, ठीक है। तो हमें निकालना है बी ओ सी, ये बी है, ये ओ है, सी है, ये वाला कोण हमें निकालना है, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री का ये एक फार्मूला होता है, अगर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा मतलब अपने दिमाग को पजल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला होता है, बी कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 माइनस ए बाई टू, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कब लगाते हैं एक बार फिर से उसको समझ लीजिए। एक आपका त्रिभुज दिया गया होगा, ए बी सी एक त्रिभुज दिया होगा, इसमें ए बी भुजा को बढ़ा देंगे पी तक और ए सी भुजा को बढ़ा देंगे क्यू तक, फिर ये जो बाहर वाला कोण बनेगा, ये वाला कोण इसका और इधर वाला कोण इसका, ये दोनों जो बाहर वाले कोण बन रहे हैं इसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अर्धक कोण है, ठीक है। तो अर्धक कहाँ मिलेंगे, ओ बिंदु पर मिलेंगे, तो ओ बिंदु पर जब मिलेगा तो आपको ये ऊपर वाला कोण, चित्र में प्रश्न में आपको ये ऊपर वाला कोण दिया रहेगा, या तो ऊपर वाला दिया रहेगा या ये फिर ये वाला कोण दिया रहेगा बीच वाला, तो आपको ये बी ओ सी यानी ये बीच वाले कोण का मान निकालना होगा, ऊपर वाला कोण दिया होगा, या तो ऊपर वाला कोण दिया होगा तो नीचे वाला निकालना होगा, नीचे वाला कोण का मान दिया गया होगा तो ऊपर वाला निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी इस प्रकार का चित्र बनेगा तो उसमें यही वाला फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोण बी ओ सी होता है 90 माइनस ए बाई टू, यानी जो कोण ए है ऊपर वाला जो कोण है उसका आधा करके 90 में से घटा दो, फिर मौखिक करना है, ऊपर वाला जो कोण है उसका आधा कर दो और आधा करके 90 में से घटा दो। तो चलिए 90 माइनस ए की वैल्यू 56, हाँ 56 दिया गया है, डिवाइड बाई टू, और 90 माइनस 56 का आधा कितना होता है भैया, 28 होता है, और 90 में से 28 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 8 और 2 6 बचेगा, 62 आएगा, 62 कहाँ है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा। कभी कभी ये नीचे वाला कोण, ये वाला कोण की वैल्यू दी गई होती है, जैसे कि आपको दिया गया ये 62, ये मान लीजिए 62 अंश दिया गया है और आपको ऊपर वाला पूछा जाएगा, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है। BOC के जहाँ पे 62 आप लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके से भी ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि भैया सूचना ये है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका PIIT का पेपर होने वाला है वो 180 नंबरों का पेपर होगा, टोटल आपके पास 180 प्रश्न रहेंगे, उसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो आपको एक ऐसी किताब की आवश्यकता होगी जिसमें टोटल 180 प्रश्नों का जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कवर किया गया है। तो इसके लिए मार्केट में चच्छू पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक है, स्टडी गाइड है, जो आपके टोटल संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित किताब है जिसमें आपको सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। चच्छू पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, इनकी मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन किताबें आती ही रहती हैं। तो अगर आप KBS में PIIT की तैयारी कर रहे हैं, एक ही बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चच्छू पब्लिकेशन की किताब है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस किताब को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी इस किताब को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। एक ही किताब से आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक ना भैया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई राशि ABCD में 3, 4, 8 और 6 के अनुपात में बांटी जाती है। सी का भाग बी के भाग से 2,820 रुपए अधिक हो तो ए और डी के भागों का योग क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, ज़्यादा इसमें सोचना समझना नहीं है, अनुपात के तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ABCD का मान यहाँ पर लिखा गया है, A का मान है 3, B का है 4, C का है 8 और D का अनुपात जो है वो है 6। अब यहाँ पर देखिए C का भाग जो है B के भाग से 2,820 अधिक है, तो C यहाँ पर कितना है, देखिए C यहाँ पर 8 है और बी यहाँ पर कितना है, बी यहाँ पर आपका 4 है। तो अगर अनुपात में देखें 8 से 4 कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो अनुपात में अगर हम कितना अधिक है ये देखें तो 4 अधिक है, लेकिन रुपए में अगर देखें तो कितना अधिक है, प्रश्न में दिया गया है 2,820 रुपया अधिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अनुपात के तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, XOX मान के हमें प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। तो अगर अनुपात में देखें तो सी और बी से 4 अधिक है, लेकिन रुपये में देखें तो 2,820 अधिक है। तो 4 अनुपात की वैल्यू 2,820 है, तो अगर इसमें 4 का भाग कर दें तो 1 अनुपात की वैल्यू 4 × 7 = 28 और यहाँ पर देखिए गलती मत करिएगा 0 आएगा, 4 × 5 = 20। बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ 4 × 5 = 20 कर देंगे, तो 75 नहीं आएगा भैया, वहाँ पर 0 रहता है, भाग करना भी यहाँ पर हमें आना चाहिए। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमें निकल के आई कितना, 705 रुपया। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो ए और डी के भागों का योग, ए और डी के भागों का योग कितना होगा। अब ए देखें, ए का अनुपात कितना है 3, डी का अनुपात कितना है 6, अगर इनका हम योगफल निकालें कितना हो जाएगा 9, तो कुल मिला के हमें 9 अनुपात की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। ए और डी के भागों का योग हमें निकालना है, ए का 3 है, डी का 6 है, यानी कि हमें 9 अनुपात की क्या वैल्यू होगी ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये दिए गए समीकरण में जिसमें हमने 1 = 705 रुपया निकाला है, इसमें अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 9 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर हो गया 9 × 9 = 9, 9 × 5 हो गया भैया 45 और 9 × 7 हो गया 63, इतना रुपया हमें आ गया। सिंपल आपका 2 लाइन का प्रश्न था, कहाँ पर है 63, 45, आपका विकल्प डी है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार से शॉर्टकट मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा समीकरण बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अनुपात में कितना कम ज़्यादा है उसको देख लीजिए, फिर रुपए में कितना कम ज़्यादा है उसको देख लेंगे और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसमें केंद्र ओ का एक वृत्त है जिसकी जीवाएँ AB और CD हैं जो एक दूसरे के विपरीत साइड में स्थित हैं, केंद्र के विपरीत साइड में हैं, जिसमें AB 20 है और CD 48 है, ठीक है, और जीवों के बीच की दूरी 34 है। तो आपको वृत्त का व्यास निकालना है, व्यास यानी कि पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का डबल कर देंगे तो हमारा व्यास निकल आएगा। इसका चित्र हमने पहले ही बना लिखा है, यह हम केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। O के ऊपर की साइड में नीचे की साइड में छोटी है, यानी कि AB आप जीवा मान लीजिए 20 सेंटीमीटर वाली,
और सी डी जो बड़ी वाली जीवा है उसको मान लीजिए ऊपर, सी डी आपने मान लिया, ये आपकी जीवा हो गई सी डी। सी डी की वैल्यू दी गई है 48, यानी कि पूरी पूरी की पूरी आपकी 48 सेंटीमीटर है। और नीचे वाला जो ए बी है इसकी जो मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर का, तो ये हमने नीचे मान लिया है। ऐसे जो सवाल हैं ये अधिकांश बार पेपर में आते रहते हैं इस वाले चित्र का, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, आपको ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ये सिर्फ समझाने की बात है, आगे जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप मौखिक ही इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और ये जो दोनों जीवाएं हैं ए बी और सी डी, इनके बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आपका यहाँ तक की जो दूरी है वो 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें व्यास निकालना है। अब ध्यान से एक बात यहाँ पर सुनिए, इसमें कौन सा हमारा रूल फॉलो होगा, तो एक बात उसको ध्यान सुनिएगा कि वृत्त के केंद्र, जैसे ओ यहाँ पर केंद्र है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है ये हमारा 90 अंश का कोण बनेगा। जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, यानी त्रिभुज। हम इसका अगर मान वैल्यू एम लिख दें, इस वाले पॉइंट का मान एम है और इस वाले पॉइंट का मान एन रख दें, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, फिर से इसको बोल दे रहे हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ ए और एम की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए बी हमारा कितना है 20 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 10। जीवा को दो भागों में विभाजित करने का मतलब होता है आधे आधे भाग में विभाजित करता है। ए एम और एम बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा। सेम यहीं पर ऊपर कॉन्सेप्ट लेगा, सी डी अगर हमारा 48 है तो सी से एन की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा जितना भी पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है। जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उन पर ध्यान से देखिएगा, 5, 12 और 13 का एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको रट डालिएगा, 3 से 4 या 5 होते हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझाया है, तो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 5, 12, 13 का एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब दो त्रिभुजों को ध्यान से आपको देखना है, पहला ऊपर वाला ओ सी एन त्रिभुज कौन सा भैया, ओ सी एन, हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस आपको ध्यान से चित्र में देखते रहना है। ए ओ एम नीचे वाला कौन सा है, ए ओ एम, ये दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपकी एक भुजा 24 है, यानी कि 12 का अगर हम लोग डबल कर दें तो हमारा 24 निकल आ रहा है। तो अगर हमने 12 का डबल करके 24 निकालना, ये है, ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा किस प्रकार से आंसर आ सकता है। इन सारे प्रश्नों में त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनसे ही हमारे आंसर निकलते हैं। तो 24 कहाँ से आएगा, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 5, 12, 13 का, उसमें 12 का डबल करने से 24 आएगा। तो अगर 12 का डबल करने से 24 आ रहा है, अभी ये सही है अथवा गलत है वो हमें बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर 12 का डबल करने से 24 आ रहा है तो 13 का डबल करेंगे 26 होगा, और 5 का डबल करेंगे कितना होगा, 10, ठीक है। तो ये हमारी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की निकल आई है, ओ सी एन वाला जो त्रिभुज है 10, 24, 26, ये सही है गलत है अभी हमें नहीं पता, अभी बाद में पता चलेगा। दूसरे वाले जो आपका नीचे वाला त्रिभुज है उसमें भी 5, 12 और 13 का अनुपात लगाइए। 5, 12, 13 का क्यों लगाया, क्योंकि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 5 का डबल करेंगे तो ही 10 आता है। तो यहाँ पर 5 का डबल किया कितना आ गया, 10, तो यहाँ 12 का डबल करेंगे कितना होना चाहिए, दूसरी भुजा 24, और हमारा जो कर्ण है 13 का डबल करेंगे तो कितना होना चाहिए, 26। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आ रही है भैया। अच्छा थोड़ा पेन चेंज करके एक बार हम लोग इसको रफली लिख भी देते हैं। पहला वाला जो हमारा ये वाला निकल के आ रहा है, इसमें कर्ण कितना है भैया, 26, और ये वाली भुजा कितनी आ रही है भैया, 10। तीन भुजाएं होती हैं, अगर हमारा एक भुजा 24 है तो दूसरी भुजा 10 और कर्ण हमारा 26 आ रहा है, जो कि ऊपर वाले त्रिभुज में लिख दिया है। नीचे वाले त्रिभुज में हमारी ये यहाँ से यहाँ तक भुजाएं 10 थी, 10 कैसे आया, 5 का डबल किया 10, तो दूसरी भुजा कितनी होगी, 24, यानी कि ये वाली भुजा कितनी होगी, 24, और कर्ण कितना है भैया, 26, तो कर्ण आपका आ गया 26, ये हमारा नीचे वाले त्रिभुज में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो 10 भुजा है O से N के बीच की, और जो O से M के बीच में 24 है, ये तो हमने अपने मन से लगाया है, निकाला है त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दें, किसको जोड़ दें,
जो हमने निकाल ये वाली भुजा, इसको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यहाँ पर चाहे देख लीजिए चाहे आप चित्र में देख लीजिए, ये वाली भुजा ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है भैया, 34 होता है। और चित्र में आपके साथ सॉरी प्रश्न में आपके साफ साफ लिखा ही था कि दोनों जो आपकी जीवाएं हैं उनके बीच की दूरी आपकी 34 है। तो हमने जो निकाला है त्रिकोणमिति अनुपात लगा के, उससे भी हमारा दोनों जीवों के बीच की दूरी 34 आ रही है, और प्रश्न में भी दोनों जीवों के बीच की दूरी 34 दी गई है, यानी कि यहाँ पर हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया है ये हमारा अनुपात बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारी त्रिज्या कितनी आ रही है, 26 होना चाहिए। तो त्रिज्या अगर 26 होगी तो इसका डबल कर देंगे तो हमारा व्यास निकल आएगा। तो व्यास कितना निकल आया भैया आपका, 52 यानी कि 52 सेंटीमीटर व्यास निकल आया। अगर आप इस प्रश्न को साधारण तरीके से करेंगे, साधारण तरीके से करना चाहते हैं, तो दो बार आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, अपने मन से आपका आंसर आ जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। उसमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को आपको सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से ही सॉल्व करना है। 5 12 13 का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 3 4 5 का होता है, 5 17 24 का होता है, और 8 24 25 का होता है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, और इन्हीं में से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण त्रिभुज के जितने भी सवाल होते हैं लगभग 75% सवाल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से ही सॉल्व किए जाते हैं। ऐसी प्रश्नों में फार्मूला लगाने की और समीकरण बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे प्रश्नों को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक घना की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 2 3 है, अनुपात है, उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया 1100 है, तो आयतन निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई कुछ भी करने की ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुणा भाग कर लो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए घना होता है उसकी लंबाई का अनुपात दिया गया है 1, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, सब में एक्स गुणा कर देते हैं। चौड़ाई होती है बी, इसको 2 है तो 2x मान लेते हैं। ऊंचाई होती है कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई होती है h, तो इसको हम लोग 3 है तो 3x मान लेते हैं। 1 2 3 का जो अनुपात था उसमें हमने x से गुणा कर दिया है। अब हमें क्या होता है कि क्या निकालना भैया, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं 2 L B लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस के लंबाई गुणे ऊंचाई, LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा होता है। उसके वैल्यू दी गई है 1100। ठीक है, अब इसमें आपको LBH का मान रखना है, तो यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं, LOB का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, BH का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा करिए, 3 × 6 6x स्क्वायर, वहाँ पर बार बार मान लिख के गुणा करने से अच्छा है कि यहीं पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। एल ओ एच का मान होता है 3 × 3 3x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं, इसका वैल्यू है 1100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 3 और 6 हो जाए 11 11x स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका, 1100, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा भैया 50। एक्स बराबर कितना बचेगा, तो इसको 50 को लिख दो, ये एक्स स्क्वायर ही अभी रहने दो इसको, और इसको 25 × 2, 50 को लिख दिया 25 × 2। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 25 का वर्गमूल तो 5 निकल आएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो एक्स की वैल्यू हमारी 5√2 निकल आएगी। अब हमें निकालना है आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया, LBH, ये हमारे आयतन का फार्मूला होता है, तो सबकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, देखिए LBH ये बगल में आपका मान रखा गया है, इसका गुणा करेंगे, 3 × 6 3 × 6 और 6 × 6 यानी कि 6x³, ये हमारा मान आएगा, गुणा कर लिया LBH का मान रख के गुणा करेंगे तो ये बगल में वैल्यू रखी है, तो वैल्यू लिखने से बार बार फायदा नहीं है, सीधे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। x³ करना है, यानी कि एक्स का 3 बार गुणा करना है, और एक्स का मान हमें यहाँ पर पता है तो एक्स इसका आप 3 बार गुणा कर दीजिए, 5√2 × 5√2 और × 5√2, 3 बार हमने गुणा कर दिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं,
पचम 25, 25 पंचे 125, 25 और 125 का आप 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो अच्छा रूट टू का रूट टू में गुणा करेंगे तो 2 आता है, ठीक है। तो 2 का 5 गुणा करेंगे 10 होगा, ठीक है, और 10 का इसमें करेंगे तो 50 होगा, और फिर 250 यानी कुल मिला के जो आपका गुणा करने से कितना आएगा 1500, और यहाँ पर रूट टू आपका बचा रहेगा। तो इस प्रकार से 1500 रूट टू आपका आंसर रहेगा, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इस रूट टू का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 5 5 आपका 3 बार है, 6 यहाँ है, इनका गुणा करेंगे तो 1500 आएगा और रूट टू आपका बचा रहेगा, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। गुणा भाग करना था, कुछ इसमें करना है नहीं, आप लोग फटाफट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भुजा 2A इकाई वाले एक संभव त्रिभुज, यानी कि संभव त्रिभुज है, इसमें जो भुजा दी गई है इसका जो वैल्यू है वो कितना भैया 2A, यानी कि प्रत्येक भुजा हमारी 2A है, ठीक है। और एक विकर्ण है, एक वर्ग है जिसका विकर्ण कितना है 2A, तो ये वर्ग हमने बना लिया है, इसका विकर्ण कितना है 2A। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। देखिए जो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4, और फिर होता है ए स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो भुजा कितनी है 2, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अनुपात हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात का निशान लगा देते हैं। अब वर्ग का हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्षेत्रफल वाला, तो अगर हमें विकर्ण दिया गया होता है, वर्ग में अगर विकर्ण दिया गया होता है तो हम फार्मूला क्या होता है, वर्ग में अगर हमें विकर्ण पता हो तो विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो विकर्ण कितना है 2A, इसका वर्ग करो बटे 2 करो, ठीक है। देखिए वर्ग में आपके 2 फार्मूले होते हैं, अगर आपको भुजा पता हो तो भुजा का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग का फार्मूला निकल आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला निकल आएगा। अगर आपको विकर्ण पता हो तो विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा कर देंगे, तब भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे फटाफट अपना आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करना तो है नहीं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, हाँ ये हो गया √2, नीचे हो गया √2 ने भैया, ये √3 है, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, और 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर, अनुपात है यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, नीचे रहेगा 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर से पहले वाले अनुपात में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इस पहले वाले में बचेगा √3, दूसरे वाले में बचेगा 2, तो कुल मिला के √3/2 आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है, कौन से विकल्प में भैया, विकल्प सी है, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। कितने आसान से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, ये जो आप सारे प्रश्न देख रहे हैं ये भैया 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इस चीज़ को बार बार हम बता रहे हैं, 2018 का ये पेपर आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु 15 रुपये अधिक में बेची जाती तो लाभ कितना होगा, तो होता 14% होता। अब ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आपके समझने का फेर है, अगर आप प्रश्न समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। ध्यान समझिएगा, कोई भी प्रश्न चीज़ जो होती है, कोई भी वस्तु होती है आपके 100% होती है, कोई वस्तु 100% होती है, जब लाभ होता है तो 100% से ज़्यादा में बेची जाती है, और जब हानि होता है तो 100% से कम में बेची जाती है, इस चीज़ को आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए, वस्तु क्या है 8% लाभ पर बेची जा रही है, 150 रुपया उसे ज़्यादा मिलता है, कब मिलता है, जब उसे 14% लाभ पर बेचा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 150 रुपया कब मिला उसे ज़्यादा, जब 8% की बजाय 14% में उसे बेचा गया, यानी कि जो हमारा 150 रुपया आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 150 रुपया ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, जब उसे 8% की बजाय 14% में बेचा गया, यानी कि प्रतिशत में कितना ज़्यादा है, प्रतिशत में रुपए में तो हमारा 150 रुपया ज़्यादा है, प्रतिशत में कितना ज़्यादा है, 14 में से आप 8 घटा देंगे तो कितना आ गया भैया 6, 4, 2, 6, 6%, 6% में तो हमारा 6% ज़्यादा है, लेकिन रुपए में कितना है 150 रुपये ज़्यादा है, यानी कि साफ साफ आपका कहने का मतलब है कि 6% की वैल्यू आपका 150 रुपया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि वह वस्तु 2650 रुपये पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ये हमें निकालना है।
तो लाभ प्रतिशत निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि 100% से ऊपर जब बेचेंगे तो हमारा लाभ होगा। इसको हम लोग अपने बाहुबली वाले मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बाहुबली मेथड आप लोग जानते होंगे, यदि आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो होंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस मेथड का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, जो रुपया होता है उसे ऊपर लिखते हैं, उसकी प्रतिशत वैल्यू को नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर उल्टा करना है। आपको 2 रुपये दिए गए हैं, पहला 150 रुपये की वैल्यू 6% दिया ही गया है, और आपको निकालना है 2650 रुपये की क्या परसेंटेज वैल्यू होगी, ये निकालना है। तो बाहुबली मेथड में जो रुपया ऊपर लिखते हैं उसको अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। आपको प्रतिशत निकालना है, जो निकालना है उसी को हम लोग गुणा करते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करिए, 6% दिया गया है, इसकी रुपए में जो वैल्यू है उसको नीचे लिख लीजिए। तो 6% की रुपए में वैल्यू कितनी है, 150 रुपया है। जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए, निकालना क्या है, 2650 रुपये कि क्या प्रतिशत वैल्यू होगी, यही हमें निकालना है, इसका गुणा कर दीजिए। बाहुबली मेथड आप जो लगाते हैं, पहले रुपए में लगाते थे, अब हम लोग प्रतिशत में लगा रहे हैं। तो प्रतिशत में लगाने के लिए जब रुपए में लगाते थे तो रुपया ऊपर होता था, प्रतिशत में लगाने के लिए प्रतिशत को हम लोग ऊपर करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से एक बार अगर नहीं पता है ध्यान से समझ लीजिए। 6% की वैल्यू हमें 150 रुपया पता है, तो 6% की जो वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं, यानी 150 रुपया हम लोग नीचे लिखेंगे। गुणा क्या करेंगे, जिस प्रतिशत वैल्यू को हमें निकालना है उसके रुपए से गुणा करेंगे। तो जिस कौन से रुपए का हमें प्रतिशत वैल्यू निकालने हैं, 2650 रुपये की परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी ये निकालना है, तो उसका हम लोग गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हमारा आंसर प्रतिशत में आएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रुपए से रुपया कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कैंसिल करो, और किससे कैंसिल आउट करें, तीन से कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 2 हो जाएगा 6, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5×5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, 106% आ रहा है। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2650 रुपये की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 106% आ रहा है। यानी कि हमने कहा है कोई भी वस्तु कितनी होती है, 100% होती है। अभी हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 106% आ रही है, यानी कि उसको उस पर लाभ कितना हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं, कोई वस्तु 6% होती है। हमने यहाँ पर 2650 रुपये की क्या प्रतिशत वैल्यू होगी वो निकालना है, तो कितना आया है, 106% आया है, यानी इस पे लाभ कितना हो रहा है, तो 100 से 106% हो गया, तो लाभ कितना हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। कहाँ पर है आपका विकल्प सी, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश हमने यहाँ पर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, यहां पर चलिए आपको घनमूल निकालना सिखा देते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां पर एक तरफ हम लोग लिखते हैं संख्या, एक लिखते हैं हम लोग घन। चलिए घनमूल निकालना सीख लीजिए, संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसका घन कितना होता है, ध्यान से देखिए, अभी इसमें जरूरत पड़ेगी, उम्मीद है आप लोग घन निकालना नहीं जानते होंगे इसलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। संख्या अगर 1 हमारी संख्या है तो उसका घन कितना होता है भैया, 1। 2 का घन कितना होता है, 8। 3 का होता है, 3 × 9 = 27। 4 का कितना होता है, 64। 5 कितना होता है, 125। 6 का कितना होता है, 6 का 136 नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, 200 आपका होता है 16। 7 का कितना होता है, 343। और 8 का होता है 512। और 9 का जो होता है वो 700 कितना होता है, 29। तो 29, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आयतन इतना हमारा घन सेंटीमीटर आयतन दिया गया है, ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा एक ये आयतन है, इसको आपको 8 बराबर टुकड़ों में काटना है, ठीक है, इस प्रकार 8 बराबर टुकड़ों में काटना है। मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल व छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो पूरा प्रश्न सिर्फ कैलकुलेशन ही है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणाभाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला हमारा आयतन है, इसका हम पहले क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। बिना भुजा निकालने तो कुछ हो नहीं पाएगा, फिर छोटे घन की भुजा हम लोग निकालेंगे, ठीक है।
तो बड़े घन की भुजा निकालने के लिए आपको पता है जो आयतन होता है वो कितना होता है आपका। एक मिनट, यहाँ पर इसकी बड़े वाले घन की भुजा को क्या माने भैया, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए मान लेते हैं। तो कैपिटल ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 6 6 5 6। अब इसका घन, ए की वैल्यू क्या निकालना है, इसका आपको घनमूल करना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, 4 6 6 5 6, इसका आपको घनमूल लेना पड़ेगा। तो घनमूल लेने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कैसे लेना है, ध्यान समझिए। घनमूल निकालने के लिए जो आखिरी की तीन संख्याएं होती है भैया, इसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए हमारा आखिरी में क्या रहा, आखिरी में आपका 6 आ रहा है, तो आखिरी में 6, ये हमारी जो घन संख्या है, इस पर जरा ध्यान से देखिए, आखिरी में 6 कहाँ पर आ रहा है, आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यानी कि देखिए आखिरी में 6 ये वाला देखिए, और आखिरी में घन वाली किसी भी संख्या में 6 नहीं आ रहा है, आखिरी में 6 सिर्फ इसमें ही आ रहा है, 216 में 6 हमारा लास्ट में आ रहा है। तो ये किसका घनमूल होता है, 6 का होता है, यानी कि अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे तो उसकी लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। अब इस आगे वाली संख्या को देखिए, आगे वाली संख्या घन वाली संख्या से देखिएगा, ये हमारा कितना, 46। 46 से पहले कौन सी घन संख्या होती है, 1 8 27 और 68, ये हमारी घन संख्याएं होती हैं। तो 68 तो ज़्यादा हो जाएगा, 27 हमारी घन संख्या होती है, तो 46 से पहले 27 हमारी घन संख्या होती है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। इस प्रकार से हम लोग घनमूल का मान निकालते हैं, आखिरी वाली तीन संख्याओं को अलग कर देते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि वो इकाई का अंक जो आ रहा है वो 1 से लेके 9 तक किस संख्या में आएगा। तो हमने यहां पर देखा किसमें, 6 में आएगा, 216 होता है ना भैया, तो 6 में आएगा, इसका घनमूल कितना होता है, 6 होता है, तो यहां आखिरी में 6 आएगा, ये तो कंफर्म हो ही गया। अब आगे क्या आएगा वो निकालने के लिए, जो बाकी की बची हुई संख्याएं होती हैं उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला घन संख्या कौन सी होती है, तो 46 के नीचे वाली घन संख्या 27 होती है, 27 का घनमूल 3 होता है, यानी कि एक आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए छोटे ए का मान निकालते हैं, यानी छोटी इसके अंदर जो बन रहा है छोटी भुजा, उसको हम लोग ए मान लेते हैं, छोटी भुजा की वैल्यू को स्मॉल ए मान लेते हैं, उसका मान निकालते हैं, उसका मान कितना होगा। देखिए इस बड़े घन से कितना बनाया गया है, छोटा कितने घन बनाए गए हैं, 8 घन बनाए गए हैं, तो 8 और एक घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू। अगर 8 ए क्यू हम करें तो वो बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होना चाहिए, और बड़े वाले घन का आयतन कितना है, 4 6 6 5 6। यानी कि अब छोटे वाले घन की हम भुजा निकाल रहे हैं, तो छोटे वाला घन किससे बनाया गया है, 8 छोटे घन किससे बराबर बनाए गए हैं, बड़े वाले घन से बनाए गए हैं, तो इसको हम लोग बड़े वाले घन का आयतन 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा, ये तो हम जानते हैं। तो पहली कंडीशन में बड़े वाले घन की भुजा निकाली, जो कि हमारा 36 आ रहा है। अब छोटे वाले घन की भुजा निकालने के लिए 8 छोटे घनों का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू आएगी, 8 का इसमें भाग कर दीजिएगा तो 5 8 3 2, ठीक है। अब फिर वही तरीका लगाएंगे, हमें स्मॉल ए का मान निकालना है, तो स्मॉल ए का मान निकालने के लिए जो आखिरी की तीन संख्याएं होती हैं इसे अलग कर दो। अब देखो यहाँ पर आखिरी में क्या रहा है, पीछे आपका इकाई का अंक 2 आ रहा है। अब यहाँ पर जो घन वाली संख्या है उसमें इकाई का अंक 2 कहाँ है, इकाई का अंक आपका 2 यहाँ पर है, मिल गया, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक 2 आपको मिल गया, इसका घनमूल कितना होता है, 8 होता है, तो यानी पीछे आपका 8 रहेगा ही। अब आगे वाली संख्या 5 पर ध्यान दीजिए, 5 से पहली वाली घन संख्या कौन सी होती है, तो 5 से पहली वाली घन संख्या हमारी 1 होती है, ठीक है। तो 1 का घनमूल कितना होता है, 1 होता है, यानी स्मॉल ए की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। इस प्रकार से हम लोग घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो स्मॉल ए यानी कि छोटे वाले घन की भुजा और बड़े वाले घन की भुजा दोनों हमें पता चल गई है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना भैया, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 8 छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो हमारा फार्मूला होता है वो 6x² होता है, ठीक है। तो पहले बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बड़े वाले घन की 6 और ये x मतलब होता है भुजा, तो इसकी भुजा है 36, तो गुणे 36 और गुणे, एक मिनट ये क्या लिख दिया, 6 गुणे 36 और गुणे 36, ये हो गया बड़े वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब छोटे वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लेकिन ये आठ छोटे घनों को निकालना है तो सिक्स तो रहेगा ही, उसके बाद आठ छोटे घनों को निकालना है तो आठ रहेगा और मल्टीप्लाई बाई इनकी भुजा कितनी है 18 और गुणे 18, ये हमारा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आयतन आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, कुछ करना नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है। 18 दुनी 36 हो गया, यहाँ पर 18 दुनी आपका 36 हो गया, 2 दुनी 4 और 4 दुनी हो गया 8, यहाँ 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, बचेगा क्या भैया, तो यहाँ आपका कितना बचेगा, नहीं 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 ये सॉरी 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 ये 2 नहीं कैंसिल होगा, सॉरी जल्दबाजी में गलती होती है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा और यहाँ पर आपका 2 बचा, ये 2 आपका बचा है, तो 1:2 आपका आंसर रहेगा, 1:2 पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कभी कभी कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो आप सभी लोग क्या करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिए, जैसे ही आपको प्रश्न दिखे फटाफट आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि जो हम मेथड बता रहे हैं वो उसी तरीके से आपने प्रश्नों को सॉल्व किया है अथवा किसी दूसरे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर हमारा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस तरीके से भी प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक्स का 50% का 20%, इसका मतलब होता है एक्स के 50%, के का मतलब होता है गुणा 50%, इसका का मतलब होता है गुणा 20%, ये बराबर किसके हैं, वाई के 25%, ठीक है, और का 50%, का मतलब होता है गुणा, तो जहां भी का निशान लिखे वहां गुणा निशान लगा दे, दोगुना है। अब दोगुना कौन है, एक्स के 50% का जो 20% है वो दोगुना है किसके, वाई के 25% के 50% का, तो दोगुना कौन है, एक्स वाला दोगुना है, तो दोगुना कौन है भैया, एक्स वाला दोगुना है, इसलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा, 2 का गुणा हमें यहाँ वाई में करना पड़ेगा समीकरण को संतुलित करने के लिए। इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, निकालना क्या है पहले इसको देख लेते हैं, x जो है y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो x का मान निकालना है y से कितना अधिक है अथवा कम है, तो पहले x और y का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत निशान नहीं लगा है, देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज वाला दोनों निशान इधर वाले प्रतिशत प्रतिशत वाले निशान से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करो, ये हो गया 5 × 20 और यहाँ हो गया 25 और ये हो गया 2 × 2 आपका 2 × 2 = 4, ठीक है, तो यहाँ बचा आपका 2x, यहाँ बचा आपका कितना 5y, यही बचा है ना। अब y को x के नीचे भेज दो तो x बटे y बराबर क्या हो गया 5/2, इससे हम निकाल सकते हैं कि x के बराबर में क्या आ रहा है 5, y के बराबर में आ रहा है 2, यानी x की वैल्यू हम 5 मान सकते हैं और y की वैल्यू हम 2 मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ साफ कि जो x है y से कितना अधिक है, 3 हमारा अधिक है, तो अधिक अगर हमें परसेंटेज में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना अधिक होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, x की वैल्यू 5 निकल के आई, y की वैल्यू 2 निकल के आई, यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि 5 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो जो अगर प्रतिशत में यही आपसे पूछा जाए तो जो अधिक होता है उसको कहाँ लिखते हैं भैया, ऊपर लिखते हैं, अधिक कहाँ से है, 2 से है, 5 से नहीं है, 2 से है, 2 से जब आगे बढ़ेंगे तभी तो 5 मिलेगा, तो अधिक कहाँ से है, 2 से है, यानी कि 2 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो ऊपर क्या लिखते हैं, जितना अधिक होता है जितना कम होता है वो वैल्यू ऊपर लिखते हैं, कहाँ से अधिक होता है कहाँ से कम होता है वो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 2 से ये अधिक है 5, तो यानी कि कुल मिला के 3/2 हमारा आंसर रहेगा। परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 का गुणा आपको करना ही पड़ेगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150%, 150% इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, कहां पर है 150% अधिक, आपका विकल्प बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, समझ में आ गया होगा उम्मीद है सारी चीजें, ये आपका बिल्कुल खतरनाक सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फॉर्मूला लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन का फार्मूला होता है वो आपको लगाना है, उसके बाद आपको साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना है, दो फार्मूला लगा के इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो पहली लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसमें आपका समय 2 वर्ष दिया गया है, ब्याज की दर 12% दिया गया है और मिश्रधन आपका 37,632 रुपया दिया गया है,
इसमें मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन वाला फार्मूला आप लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन वाला फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो यहाँ से आपका मूलधन निकल आएगा। उसके बाद साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे तो आपका ब्याज निकल आएगा। दो बार फार्मूला लगाना है, लेकिन फार्मूला से ये प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक सिंपल तरीके से, सिंपल वे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला लगा के आप लोग प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको दूसरा मेथड देखने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न दिया गया हो, अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 12% है, इसको आप पकड़ लीजिए। तो जो 12% है इसको आप पकड़े लीजिए, ठीक है। अब 12% को क्या करिए भैया, प्रतिशत का हटा दीजिए। तो प्रतिशत हटाएगा तो नीचे आएगा 100, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये 4 से कटेगा 3 और नीचे हो जाएगा 25। क्योंकि ये 2 वर्ष की बात कर रहा है इसलिए इसका 2 बार गुणा करेंगे। हाँ, यहाँ पर सॉरी सॉरी, अभी ये आप देखिए 3 क्या है, अब बात को ध्यान से समझिएगा कि जब आप यहाँ पर जो लोग जानते हैं वो तो फटाफट इसको कर ही लेंगे, इस तरीके जो हम तरीका बताने वाले हैं इस तरीके से भी कर लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। जब आप इस 12% को इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो ये आपकी ब्याज होती है और नीचे वाली संख्या आपकी मूलधन होती है, ठीक है। ये मूलधन का अनुपात होता है और ये ब्याज का अनुपात होता है। हमें क्या निकालना है, हमें मिश्रधन, हमें क्या निकालना होता है, कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकालना होता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मूलधन कितना है, 25 का अनुपात है, ब्याज कितना है, 3 है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 28, और मूलधन कितना हो जाएगा, 25। ये अनुपात में वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल मान नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 वर्ष के निकालना है इसलिए इन्हीं संख्याओं का हम लोग 2 बार गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल लेते हैं। जो बटे में चीज़ें होती हैं उसको अनुपात ही कहते हैं। ये भिन्न में लिखा है 28/25, इसको अनुपात भी कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं, कोई उससे मतलब नहीं है। इसको हम लोग 28/25 इस तरीके से भी लिख सकते हैं अथवा 28/25 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न की वैल्यू आ जाएगी और ये अनुपात में वैल्यू आ जाएगी। तो 2 बार काम करते हैं तो ये आपका इस प्रकार से हो गया। तो ऊपर वाली संख्याएं, ये वाली संख्या आपकी क्या है, मिश्रधन को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली संख्या क्या है, ये आपकी मूलधन को रिप्रेजेंट करती है। यानी 25×25 मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 28×28 मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं। बाहुबली मेथड में क्या है, यहाँ पर 37,632 रुपया आपका मिश्रधन है, लेकिन जो हमने जो है अनुपात में या कहिए या भिन्न में कहिए मिश्रधन की जो वैल्यू निकाली है वो कितना है, 28×28 है। तो जो हमारा रुपया मिश्रधन में है उसकी जो अनुपात में वैल्यू है 28×28 है। तो जो हमारा रुपया होती है उसकी जो वैल्यू होती है अनुपात में, उसको हम लोग नीचे निकालते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो हमें निकालना होता है यानी मूलधन निकालना है उस अनुपात का हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बाहुबली मेथड में क्या करते हैं कि जो रुपया दिया गया हो इसकी जो अनुपात में वैल्यू होती है, अभी अभी यही मेथड थोड़ी देर पहले लगाया है जिसमें हमारी जो वैल्यू दी गई थी वो प्रतिशत में दिया गया था, और यहाँ पर वैल्यू आपके अनुपात में अथवा भिन्न में दिया गया है। तो क्या करते हैं, जो रुपया दिया होता है उसकी जो भिन्न में वैल्यू होती है, यानी कि मिश्रधन हमारा 37,632 दिया गया है, इसकी भिन्न में वैल्यू आपका 28×28 है, तो उसको नीचे लिखेंगे। और जो निकालना होता है, निकालना क्या भैया, मूलधन निकालना है, तो मूलधन में जो भिन्न में वैल्यू है या अनुपात में वैल्यू है 25×25 का गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व आप लोग कर लेंगे, ठीक है, 7 से कटेगा, 7 से कैंसिल आउट कर लीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो मूलधन निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, कितना भैया आ जाएगा, वो आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है साधारण ब्याज निकालना है, कब, दोगुने समय के लिए, उसी राशि पर उसी दर के पहले से दोगुने समय के लिए। तो पहले से अगर हम समय दोगुना कर दें और साधारण ब्याज वाली बात करें तो हमें निकालना है क्या भैया, पहले कितना समय था, पहले आपका 2 वर्ष था, 2 गुना कर देंगे तो 4 वर्ष आएगा, आपका दर 12% ही रहेगा। साधारण ब्याज बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो 1 साल में आपका 12% मिल रहा है। तो अगर आपका समय 4 साल हो गया तो 4 साल में कितना मिलेगा, 48% मिलेगा, ठीक है, और इसी का हमें ब्याज निकालना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन 30,000, इसका 48% कितना होगा, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 48 रहेगा,
प्रतिशत के निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 आप कैंसिल आउट कर देंगे, 48 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 48 का 3 बार गुणा करते हैं तो 140 आता है, और 0 कितने बचे हैं, 2 0 बचे हैं, यही आपका आंसर रहेगा, कहाँ पर है, विकल्प सी में आपका दिया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज बहुत ही आसान होता है, साधारण ब्याज में सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, जो दर होती है, जो समय होती है, समय होता है उसका सीधा गुणा कर देंगे तो 12 और 4 गुणा कर देंगे, 48% आ जाएगा, तो मूलधन आपका 30,000 ये है, इसका 48% निकालना है, तो सीधे 30,000 का 48% हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, तो कितना आपका जो आंसर आ रहा है 144,000, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ये पहला आपके लिए वीडियो था, इसलिए समझाने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों को जल्दी ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की कोशिश ना की जाए, तो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप KBS में जो PRT की हम लोग तैयारी कर रहे हैं गणित के लिए, उसमें आप क्या चाहते हैं, उन सारी चीजों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपने सुझावों को बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।